राजस्थान से इस वक्त हम आपको ताजा अपडेट दे रहे हैं। 2 बजे की रिपोर्ट में यहां पर 12 नए पॉजिटिव केसेस राजस्थान से सामने आए, 8 केसेस राजधानी जयपुर के और 4 अन्य जिलों के सामने आए। यहां पर उसी के साथ में आंकड़ा जो है राजस्थान में 1046 पर जा पहुंचा। इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए कोटा से मेरे सहयोगी योगेंद्र महावर इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, क्या इंतजाम, क्या रणनीति, क्या व्यवस्था लॉकडाउन 2 का पहला दिन, कोटा से जानकारी दीजिए। जयती, मैं आपको बता दूंगा, जिस तरह से लगातार कोरोना वायरस के संक्रमण लगातार सामने आ रहे हैं और उस तरह से मरीज सामने आ रहे हैं, तो आज कोटा के लिए एक दुखी खबर ये थी कि 7 कोरोना पॉजिटिव सुबह की लिस्ट में सामने आए थे और ये सभी कोरोना पॉजिटिव मकबरा इलाके और चंद्रघंटा इलाके के निवासी। हालांकि इसमें एक राहत की बात ये भी रही कि कल रात जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर कुछ मरीज नेगेटिव भी हो चुके थे। तो आज कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती सामने आई है और अभी अपडेट ये है कि 64 कोरोना पॉजिटिव कोटा से सामने आ चुके हैं, जिसमें अधिकतर कोरोना पॉजिटिव मकबरा चंद्रघंटा के निवासी है। और सबसे बड़ी लेटेस्ट जो खबर अभी सामने आई है और जो अपडेट जो सामने आया, मैं अपने दर्शकों को एवन टीवी के माध्यम से बता दूं कि एक आशा सहयोगी है जो लगातार सर्वे कर रही थी, वो भी यहाँ पे कोरोना संदिग्ध में उनकी गिनती हुई है। तो इसको लेकर पूरे आशा सहयोगी में एक हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि जितने भी कर्फ्यूग्रस्त इलाके हैं वहां पर आशा सहयोगी जाकर वहां पर सर्वे कर रही थी। तो एक एक बहुत बड़ी जो चैलेंज है जिला प्रशासन के लिए वो सामने आया है। आशा सहयोगी अगर यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव निकल जाती है तो ये बहुत बड़ी मुसीबत प्रशासन के लिए सामने आई। यकीनन योगेंद्र, एक चीज आप बता रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण, आपने जानकारी अभी दी, आशा सहयोगी ने जिस प्रकार डोर टू डोर जाकर इस प्रकार इस वक्त पर सर्वे कर रही है, उसमें से ऐसे सहयोगी ने कहा यहाँ पर संदिग्ध पाया जाना बेहद चिंताजनक विषय है। किस प्रकार से प्रशासन ने यहाँ पर रणनीति बनाई है, चूंकि लॉकडाउन को सख्त करने के, अधिक सख्त करने के आदेश खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कल दिए। मैं आपको बता दूंगा, जिस तरह से आशा सहयोगी कोरोना संदिग्ध सामने आई थी उसके बाद सभी आशा सहयोगियों ने किशोरपुरा थाने पर पहुंचकर इस मामले में जानकारी दी है, क्योंकि आशा सहयोगी लगातार सर्वे कर रही है। रही बात लॉकडाउन की, तो कोटा में 2 जगह हॉटस्पॉट बनी हुई है अभी भी, वो है भीमगंज मंडी इलाके का तेलघर और हुसैनी नगर, और दूसरा है मकबरा थाना इलाके का चंद्रघंटा और मकबरा। यहाँ से लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन लगातार इन लोगों को, जो कर्फ्यूग्रस्त इलाके हैं और महाकर्फ्यू के जो इलाके हैं वहां पर जो प्रशासन है लगातार अपनी सुविधा पहुंचा रहा है, लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि आप अपने घरों में रहो। ऐसे में 4 दिन, आज 4th दिन है, एक राहत की खबर प्रशासन के लिए ये भी आई है कि जो हॉटस्पॉट जो दूसरी जगह बनी हुई थी भीमगंज मंडी इलाका, इन 4 दिनों में वहां से कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आया है। लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती अभी भी बनी हुई है वो बनी हुई सुपर स्पेशलिटी विंग में जो मरीज एडमिट है, चाहे वो कोरोना संदिग्ध हो चाहे कोरोना पॉजिटिव हो, तो वहां सबसे बड़ा जो प्रशासन लगा हुआ है, जो चिकित्सा विभाग लगे हुए हैं, पूरी किट पहन के लगे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत कोटा को जरूर मिलेगी। लेकिन वो कब मिलेगी इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि लॉकडाउन 2 की पालना लगातार शहर के सभी थाना इलाकों में पुलिस से सतर्क हो चुकी है, पहले से ज्यादा सख्त हो चुकी है। लोगों से अपील की जा रही है अगर कोई व्यक्ति नहीं मान रहा है तो उनके वाहनों को जब्त किया जा रहा है, उन पर आवश्यक कार्रवाई भी यहाँ पे सामने आ रही है। जी जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद योगेंद्र। आप कोटा से एवं संवाददाता को सुन रहे थे। कोटा के यहाँ पर उन्होंने पूरी अपडेट हमें बताई, जिस प्रकार से पूरे प्रदेश भर में यहाँ पर कोरोना का